प्रणब मुखर्जी के किताब के विमोचन पर बोले मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री बनने के हकदार थे लेकिन मेरे पीएम बनने पर रिश्ते खराब नहीं हुए। सोनिया गांधी ने कहा, राहुल जल्द संभालेंगे कांग्रेस की कमान, दिवाली के बाद औपचारिक ऐलान संभव। रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस भेजने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, कहा अगले आदेश तक रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस ना भेजा जाए, मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी। दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर बैन जारी रहेगा, मामले को सांप्रदायिक रंग देने से सुप्रीम कोर्ट नाराज। कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए दहेज उत्पीड़न की धारा 498A पर सुप्रीम कोर्ट फिर से विचार करेगा। गौरी लंकेश हत्या मामले में पुलिस ने 3 संदिग्धों के स्केच जारी किए, पुलिस ने लोगों से मदद मांगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की चोरी हुई नीली वैगनार कार गाजियाबाद में मिली। जीएसटी और नोटबंदी के बाद दिवाली की चमक फीके होने के आसार, देश भर के बाजारों से ग्राहक नदारद, चीन से आई लाइट्स की बिक्री में भी गिरावट। खुदरे बाजार में संतरे की कीमतों में कमी नहीं, लेकिन थोक मंडी में सस्ती कीमतों पर संतरे बेचने को मजबूर किसान, देखिए गो न्यूज की रिपोर्ट। और आउटफील्ड गीली होने की वजह से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा T20 मैच रद्द, दोनों टीमों को मिला बराबर अंक, सीरीज 1-1 से ड्रॉ।